ये स्पीड फ्रेम मशीन है जिसको मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स स्पीड फ्रेम रोविंग फ्रेम, ये तीनों एक ही मशीन का नाम है। ठीक है, ये मशीन है स्पीड फ्रेम। ठीक, इसमें इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें इस स्लाइवर को ये रोविंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस मशीन का ऑब्जेक्टिव है। स्लाइवर हम फीड कर रहे हैं इसको, और इस मशीन से जो आउटपुट निकल रहा है दैट इज रोविंग, इसको बोलते हैं रोविंग। ये रोविंग की पैकेज को जो है हमें आउटपुट देगा ये मशीन। ठीक है, आप इसमें देखिए, इस पार्ट इज कॉल्ड क्रील। इस क्रील के पास ड्रॉ फ्रेम से निकला हुआ फिनिशर, ड्रॉ फ्रेम से निकला हुआ स्लाइवर को हम यहां से फीड कर रहे हैं। ठीक है, और इधर देखिए, ये ड्राफ्टिंग जोन है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ड्राफ्टिंग मींस थिनिंग डाउन द मटेरियल, मटेरियल को खींचते हुए पतला करना, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कहां पे हो रहा है, ये ड्राफ्टिंग जोन के पास हो रहा है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्लाइवर गाइड, और ये 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम है। फीड रोलर, मिडिल रोल, फ्रंट रोल। फीड रोलर टॉप, मिडिल रोल क्रेडल, फ्रंट रोलर टॉप रोलर। ठीक है, और ये है टॉप आर्म। इस टॉप आर्म में कॉट रोलर्स दोनों और क्रेडल ये लगी हुई है इसमें। और इसका नीचे जो है आप देखिए, फीड रोलर है ये, दिस रोलर इज कॉल्ड फीड रोल, मिडिल रोल, फ्रंट रोल, फ्रंट रोलर। ठीक है, ये स्लाइवर, इस स्लाइवर गाइड के थ्रू जो है फीड हो रहा है, फीड रोलर और टॉप रोलर दोनों इसको फीडिंग कर रहा है। फीड रोलर से स्पीड ज्यादा है मिडिल रोलर का, मिडिल रोलर से स्पीड ज्यादा है फ्रंट रोलर का, जिस वजह से ये खींचते हुए उसको पतला कर रहा है। ठीक, तो जो मेन ड्राफ्टिंग है वो इन बिटवीन फ्रंट रोलर एंड फीड रोलर, इसके बीच में जो है हमारा ड्राफ्टिंग हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, जैसा कि मान लीजिए हमारा 8 का ड्राफ्ट है, इसका मतलब है कि फीड रोलर से फ्रंट रोलर का स्पीड 8 टाइम्स ज्यादा है जो इसकी सरफेस स्पीड है। मान लो कि ये अगर 1 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर इसकी सरफेस स्पीड है, तो ये 8 मीटर की पर मिनट के हिसाब से जो है इसका सरफेस स्पीड है, तभी इसका 8 टाइम्स ड्राफ्टिंग हो रहा है। समझ रहे हैं ना, तो मिडिल रोल से फीड रोल से मिडिल रोल का स्पीड ज्यादा है, मिडिल से फ्रंट का स्पीड ज्यादा, तो जो मेन ड्राफ्ट है दैट इज फीड रोल टू फ्रंट रोलर। और ब्रेक ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, फीड रोलर टू मिडिल रोलर के बीच में जो ड्राफ्ट है दैट इज ब्रेक ड्राफ्ट। ठीक, उसके बाद ये फ्लायर है, जो ड्राफ्टिंग होके जो फाइबर आ रहा है उसको इस फ्लायर क्या करता है, उसको स्लाइटली ट्विस्ट देगा, अदरवाइज उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये टूट जाएगा बीच में। ठीक है, तो हमें इसमें टीपीएस सेट करना पड़ता है, ट्विस्ट सेट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर 0.8 या 1 टीपीआई अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से जो है हम 1 टीपीआई इसमें हम रखते हैं। तो वो टीपीआई क्यों रखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ये रोविंग दिखाया, अगर इस रोविंग के अंदर ट्विस्ट नहीं है तो क्या होगा, ये वाइंडिंग के दौरान ये ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो रहा ना, ये अगर मैं इसको स्लाइटली अगर ट्विस्ट दिया तो फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये वाइंडिंग हो जाएगा। अगर इसमें ट्विस्ट नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वाइंडिंग के दौरान जो है ये ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे, तो इसके लिए जो हम इसमें स्लाइटली ट्विस्ट देते हैं, ट्विस्ट देने के बाद ये हमारा बॉबिन है, सिंप्लेक्स का बॉबिन है। इस सिंप्लेक्स के बॉबिन में ये फ्लायर के थ्रू जो है इस पे वाइंड होके पैकेज, बड़ा पैकेज बन के बाहर निकलता है। देखिए, ये मैंने कॉटन स्लाइवर यहाँ से फीड कर रहा हूँ क्रील के थ्रू, और ये स्लाइवर गाइड है। इस स्लाइवर गाइड के थ्रू जो है स्लाइवर अंदर ड्राफ्टिंग जोन के अंदर मटेरियल फीड हो रहा है, और ये फीड रोलर, मिडिल रोल, फ्रंट रोल। आप इसको ध्यान से देखिए, फीड से मिडिल का स्पीड ज़्यादा है, मिडिल से फ्रंट का स्पीड ज़्यादा है, जिस वजह से खींचते हुए जो है ड्राफ्टिंग होके पतला हो गया और ये रोविंग में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद
ये फ्लायर क्या कर रहा है, स्लाइटली ट्विस्ट दे करके ये रोविंग को इस बॉबिन के ऊपर वाइंड कर रहा है। ये वाइंडिंग हो रहा है ना इस बॉबिन के ऊपर। जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा वैसे ही पैकेज का जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। और स्पिंडल को जो ड्राइव मिल रहा है वो नीचे से मिल रहा है, जो फ्लायर का जो स्पीड है वो अलग है और बॉबिन का जो ड्राइव है वो अलग है। ठीक है, ये स्पीड फ्रेम का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव है। आप इसमें आपको मैं जो है एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड फ्लायर। ठीक है, ये फ्लायर है, फ्लाई फ्रेम भी बोलते हैं इसको, स्पीड फ्रेम भी बोलते हैं, सिंप्लेक्स भी बोलते हैं, रोविंग फ्रेम भी बोलते हैं, क्योंकि रोविंग बन रहा है इसलिए रोविंग फ्रेम। ठीक है, फ्लायर है इसे इसलिए फ्लाई फ्रेम, कई कई नाम से जो इसको बुलाते हैं। तो ये जो है मैं आपको मेन जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फ्लायर जो है इस पर्टिकुलर इस स्पिंडल के ऊपर है। ये फ्लायर, इस स्पिंडल का ड्राइव जो मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, इसके अंदर से। ठीक है, और जो हमारा पैकेज है, जो ये बॉबिन है, वो बॉबिन यहां पे लगा हुआ है। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पार्ट है ये। ठीक है, इसका जो पैकेज का जो ड्राइव है वो इसके अंदर से मिल रहा है। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं कि जैसे जैसे इसमें वाइंडिंग होगा तो इसकी डायमीटर बढ़ते जाएगा। तो इसका डायमीटर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो स्पीड है, जो इसका पैकेज की जो सरफेस स्पीड है वो कम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, यहां से जो है मान लीजिए कि एक मिनट में अगर 8 मीटर आ रहा है तो इसका जो वाइंडिंग स्पीड है वो भी 8 मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी डायमीटर बढ़ जाता है तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो बढ़ गया, जिस वजह से अगर सेम स्पीड से अगर ये बॉबिन घूमता है तो फिर ये ज्यादा टेंशन होके रोविंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो इसकी जो सरफेस स्पीड है, ठीक, ये जो बॉबिन का स्पीड है, जितनी डायमीटर बढ़ते जाएगा तो इसका जो बॉबिन का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसके लिए एक बिल्डिंग मैकेनिज्म है, बॉबिन बिल्डिंग मैकेनिज्म इस मशीन के अंदर है, जिसके अंदर कोन ड्रम है, ये सारा पूरा सेटअप है। आजकल जो लेटेस्ट मशीन है उसके अंदर सीधा सेंसर्स लगा हुआ है और कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, उसके हिसाब से जो है उसकी हाइट, कोन की हाइट वगैरह, ये सारे एंगल वगैरह सब सेट हो जाते हैं इसका, और उसमें हमें कुछ अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये फुल्ली मैकेनिकल मशीन है, इसके पीछे जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इधर देखिए, ये देखिए, ये बॉबिन बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए है। ठीक है, और पर्टिकुलर यहां पे जो है हमारे सेटिंग है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये जैसे जैसे इसकी डायमीटर बढ़ती जाएगी तो फिर ये बेल्ट जो है धीरे धीरे इधर खिसकता जाएगा, खिसक के जो है उसकी सरफेस स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये ड्राइवर है, जैसे ही ये धीरे धीरे इधर आ रहा है तो इसका डायमीटर कम हुआ और इसका डायमीटर बढ़ गया, तो जिस वजह से जो है उसकी जो ड्राइव जा रहा है बॉबिन घुमाने के लिए, तो उसका जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, तभी जो है वो फ्रंट रोलर की जो आउटपुट निकल रहा है वो और वाइंडिंग की जो स्पीड है दोनों सिंक्रोनाइज होके चलता है। अदरवाइज क्या होगा, टेंशन होके, टेंशन ज्यादा हो करके जो है ये ब्रेक हो जाता है। ये फीड में क्वाड रोलर, टॉप रोलर, क्रेडल, फ्रंट क्वाड रोलर, टॉप रोलर बोलते हैं जिसे, और ये टॉप आर्म है। ये रोलर्स को क्लीन करने के लिए ये क्लियर रोलर जो है लगा हुआ है।
हमारा लैब है, इसलिए जो है हम एक स्पिंडल जला रहे हैं। मिलों में क्या होता है कि सारे स्पिंडल जलाते हैं मिलों में। अभी ये 36 स्पिंडल का लैब मॉडल मशीन है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन की पर्पज से जो है मैंने एक स्लाइवर फीड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा स्पीड फ्रेम का जो है मैकेनिज्म है, जो इसके अंदर जो है हम स्लाइवर को रोविंग में हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोविंग मशीन, रोविंग फ्रेम। ठीक है, और बाकी आप और भी कई सारी चीजों के बारे में अगर आप जानकारी लेना तो आप देखिए, ये क्लियर रोलर है, तो कोई भी फ्लाई है या शॉर्ट फाइबर है, इस तरह की कोई चीज है, इस रोलर को क्लीन करने के लिए ये क्लियर रोलर है। ये टॉप जो है ये टॉप क्लियर रोलर्स जो है, ये ऊपर एप्रॉन टाइप की जो है ये लगी हुई है। अगर कोई फ्लाई वगैरह आ जाते हैं या शॉर्ट फाइबर आ जाते हैं तो ये इस पे चिपक के ये इस रोलर को क्लीन करने का जो काम है ये इनका काम है। ठीक, ये सब काम जो है रोविंग फ्रेम में होते हैं। उसके बाद जो है ये रोविंग आ गया, इस रोविंग को रिंग फ्रेम मशीन पे फीड करके फाइनली हम यार्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको रिंग फ्रेम मशीन के बारे में आपको दिखाऊंगा, जो स्पिनिंग कैसे करते हैं और उसकी पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है।